ॐ अज्ञानति मिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यमि गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोसुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य भागवत आज प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए इन द मध्य खंड द मोस्ट फॉर्चुनेट मुरारी गुप्त इज एबल टू रिकॉग्नाइज लॉर्ड चैतन्य एंड इटर्नल प्रभु टू बी कृष्णा एंड बलराम। कहते मध्य खंड के अंदर मुरारी गुप्त जो हैं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो पहचान जाते हैं किसे, नित्यानंद जी को और महाचैतन्य महाप्रभु को, कि वही कृष्ण और बलराम है, वो उन्हें पहचान जाते हैं। इन द मध्य खंड द टू लॉज चैतन्य एंड नित्यानंद डांस टुगेदर इन द हाउस ऑफ श्रीवास ठाकुर। मध्य खंड के अंदर दोनों प्रभु जो हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्रीवास आंगन में मिलकर नित्य कीर्त्य हरिनाम संकीर्तन करते हैं। इन द मध्य खंड द लॉर्ड इंड्यूसेस श्रीवास डेड सन टू स्पीक ऑन द साइंस ऑफ द सोल डज डिस्ट्रॉइंग एवरी वन। और मध्य खंड के अंदर महाप्रभु क्या करते हैं, श्रीवास का जो पुत्र मर जाता है कीर्तन के समय, और श्रीवास जो हैं इस किसी के सामने प्रकट नहीं करते क्योंकि महाप्रभु की लीला में विघ्न ना पड़ जाए उनके कीर्तन में। तो जब महाप्रभु को पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख लगता है कि मेरे भक्त ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, अपना पुत्र मर गया, मेरे कीर्तन में विघ्न ना आए, इसी कारण से उसने चुप रहा। तो उन्होंने अपने पुत्र उसके पुत्र को आत्मा को बुलाया, वो आत्मा आती है और उन्हें उपदेश देती है कि हम जो पढ़ेंगे आगे चल के बड़े विस्तार से कि मेरा तो इतना ही संबंध था और जिधर मैं हूँ उधर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इतना मेरा आपका संबंध इतना ही था और मैं चला गया हूँ तो सबके शोक का निवारण होता है। तो उस पर हम इस विस्तार से इसको पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बहुत ही कम में इसको बोला। दैट सन टू स्पीक ऑन द साइंस ऑफ द सोल एंड जस्ट डिस्ट्रॉइंग एवरी वन सॉरो और सबके शोक का हरण किया। By the mercy of Lord Chaitanya, Srivas Thakur gave up lamentation over his son death. क्योंकि जब पुत्र आता है उन्हें समझाता है, उसकी आत्मा आती है समझा के चली जाती है, इनका शोक का निवारण हो जाता है। और फिर वो जब उन्हें पता चल गया मेरा पुत्र तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थान पर है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो उनका शोक खत्म हो जाता है। दिस इंसिडेंट बिकेम नोन टू ऑल, ये प्रसंग सबको पता चल गया। इन द मध्य खंड द लॉर्ड इन डिस्ट्रेस जंप इन टू द गैंजेस। मध्य खंड के अंदर भगवान जो है योग विरह में गंगा जी में छलांग लगाते हैं एंड नित्यानंद हरिदास पुल्ड हिम आउट और प्रभु उन्हें जो है और नित्यानंद और हरिदास उन्हें बल पूरा बाहर निकालते हैं। इन द मध्य खंड नारायणी रिसीव्स लॉर्ड चैतन्यस रेमिनेंस विच आर रेयरली अटेन इवन बाय लॉर्ड ब्रह्मा। मध्य खंड के अंदर नारायणी को भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद मिलता है जो शिव जी के लिए और ब्रह्मा के लिए भी अति दुर्लभ है। इन द मध्य खंड लॉर्ड लीव्स होम एंड एक्सेप्ट संन्यास इन ऑर्डर टू डिलीवर द लिविंग एंटिटी। मध्य खंड के अंदर प्रभु क्या करते हैं, घर का परित्याग करते हैं और संन्यास को ग्रहण करते हैं
समस्त जीव का उद्धार करने, क्योंकि सन्यासी बन के ये भिन्न भिन्न स्थानों में हरिनाम संकीर्तन करेंगे और सबका उद्धार करेंगे। The pastime of the Madhyakhand begin with the Lord's Kirtan। तो कहते हैं भगवान के लिए जो मध्यखंड में है वो कीर्तन से प्रारंभ होती है एंड एंड विद एक्सेप्टेंस ऑफ संन्यास, और संन्यास में मध्यखंड जो है इसकी समाप्ति होती है। मध्यखंड के अंदर जो प्रभु संन्यास लेते हैं उधर मध्यखंड समाप्त हो जाता है। There are millions of other pastimes in the Madhyakhand that will be described in the future by Srila Vyasadeva। कहते हैं बहुत सी लीला है मध्यखंड के अंदर जो आगे चलकर भविष्य में व्यासदेव इसका बड़े विस्तार से वर्णन करेंगे। In the Antyakhand after Vishambhar takes sannyas, he become known as Shri Krishna Chaitanya। मध्यखंड अंत्यखंड के अंदर विशंभर जब, यानी महाप्रभु को विशंभर कहते हैं जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, कहते जब वो संन्यास लेते हैं उनका नाम पड़ जाता है कृष्णा चैतन्य, क्योंकि उन्होंने सब के अंदर कृष्ण की चैतन्यता जागृत कराई थी, इसे नाम पड़ गया कृष्णा चैतन्य। इन द अंत्यखंड अडवे प्रभु क्राई प्रोफ्यूसली अपॉन हियरिंग द लॉर्ड हैज शेव्ड हिज शिखा एंड हियर। अंत्यखंड के अंदर अद्वैत प्रभु जो है विलाप करते हैं जब उन्हें पता चलता है भगवान ने अपने बालों और शिखा इनका मुंडन कर दिया है। संन्यास में तो ये होता ही है, तो बड़ा उन्हें दुख होता है, विलाप होता है कि कितने सुंदर प्रभु के केश थे। इन द अंत्यखंड शची देवी लमेंटेशन इज इनडिस्क्राइबल। अंत्यखंड में शची देवी का जो विलाप है वो वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। एंड द डिवोटीज रिमेन अलाइव ओनली बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ श्री चैतन्य, केवल महाप्रभु के प्रभाव से ही वो सब जीवित रहे हैं, नहीं तो कभी का सब प्राण त्याग दिया होता था, क्योंकि किसी को भी प्रभु का वियोग सहन नहीं हो रहा था, सब प्राण छोड़ने के तैयार थे, केवल प्रभु की कृपा चल रही थी, उनके प्रभाव से सब ने अपने प्राण बनाए रखे। इन द अंत्यखंड मोस्ट पावरफुल श्री नित्यानंद राम ब्रेक्स लॉर्ड चैतन्य संन्यास दंड। तो अंत्यखंड में जो कहते हैं जब प्रभु संन्यास लेके दंड होता है सन्यासी के हाथ में, जब वो दंड लेके जाते हैं तो आगे चल के हम उस लीला को पढ़ेंगे कि भाई नित्यानंद उस दंड को तोड़ देते हैं। हम विस्तार से पढ़ेंगे, इस समय उसको समझा दे रहा हूँ इन चीज़ों को। इन द अंत्यखंड लॉर्ड चैतन्य अराइव्स इन नीलाचल एंड हाइड्स हिमसेल्फ। अंत्यखंड के अंदर गौरांग गौरचंद्र आते हैं नीलाचल या जगन्नाथपुरी में और अपने को छुपा लेते हैं। एट फर्स्ट द लॉर्ड टीजेस सार्वभौम बट लेटर ही डिस्पेसेस सिक्स आर्म फॉर्म टू हिम। पहले तो उनके साथ छेड़खानी करते सार्वभौम, बाद में उनके साथ उनको वार्तालाप करने के बाद अपने षडभुज रूप का दर्शन प्रदान करते हैं कि एक हाथ में धनुषपान, दूसरे में बांसुरी और तीसरे में वो कमंडलू धारण किए हुए दंड। तो मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण और मैं ही सन्यासी के रूप में और महाप्रभु के रूप में यहाँ पे हूँ। तो षडभुज रूप के दर्शन कराते हैं। इन द अंत्यखंड द लॉर्ड डिलीवर्स महाराज प्रताप रुद्र एंड डिजायर्स इन द होम ऑफ काशी मिश्रा। अंत्यखंड के अंदर प्रभु क्या करते हैं, महाराज प्रभु का उद्धार करते हैं और काशी मिश्रा के घर में रहते हैं जिसे गंभीरा भी कहते हैं। इन द अंत्यखंड टू ग्रेट अथॉरिटी स्वरूप दामोदर एंड परमानंद पुरी रिजाइड विद द लॉर्ड। अंत्यखंड के अंदर दो श्रेष्ठ पुरुष स्वरूप दामोदर और परमानंद पुरी दोनों हैं, भगवान के साथ वास करते हैं। इन द अंत्यखंड द लॉर्ड रिटर्न्स टू बंगाल वाइल ट्रैवलिंग इन एक्सेसी टू सी मथुरा। अंत्यखंड के अंदर प्रभु जो हैं बंगाल लौट जाते हैं और भाव में आनंद लेते हुए मथुरा जाते हैं, मथुरा की ओर जाते हैं, क्योंकि प्रभु के आने का
ब्रिज में एक एक कारण है, जो लीलाएं लुप्त हो चुकी हैं उन सब लीलाओं को प्रकाशित करना। खैर हम विस्तार से आगे चल के पढ़ेंगे। On the way, the Lord happily stays at the house of Vidya Vachaspati before going to Kul. On the way, the Lord happily stays at the house of Vidya Vachaspati before going to Kulia. यानी रास्ते में कुलिया जाने के पहले विद्या वाचस्पति के घर में प्रभु जाते हैं, उधर थोड़ी देर विश्राम करते हैं। इन दी अंत्यखंड इनम्यूरेबल पीपल गो टू सी द लॉर्ड एंड आर दस्ट देव। अंत्यखंड के अंदर बहुत से लोग जो होते हैं प्रभु के दर्शन करने जाते हैं, और जो भी प्रभु के दर्शन करते हैं उन्हें प्रेम प्रदान प्रभु करते हैं और सबका उद्धार कर देते हैं। In the Antekhand, the Lord goes to see Mathura, but he returns after going part way. Antekhand के अंदर प्रभु मथुरा की ओर चलते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं कुछ दूरी चलने पे। हम इसको पढ़ेंगे बड़े विस्तार से, ऐसा क्यों हुआ था, ये क्या कारण था। In the Antekhand, the Lord returns to Neelachal and engages in discussing topics of Krishna विद द डिवोटी। अंत्यखंड के अंदर प्रभु जो है नीलाचल की ओर लौटते हैं और भक्तों के साथ कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं भक्तों के बीच में। दे लॉर्ड सेंस नित्यानंद स्वरूप टू बंगाल एंड स्टेज हिमसेल्फ इन नीलाचल विद अ फ्यू डिवोटीज। तो प्रभु जो है नित्यानंद जी को बंगाल भेजते हैं और भक्तों के साथ नीलाचल में रहते हैं कुछ भक्तों के साथ। क्यों नीलाचल को चाहते प्रभु कि बंगाल में हरिनाम संकीर्तन का विस्तार हुए। नित्यानंद जी को आदेश देते वो विवाह भी करते हैं और ये बताने के ग्रस्त बन के भी जीव प्रभु को प्राप्त कर सकता है। संसार में कोई भी चीज निंदनीय नहीं है अगर उसका सदुपयोग किया जाए। अगर पत्नी की सहायता से भजन में वृद्धि होती है तो ये बहुत उत्तम चीज़ है, लेकिन हमारी बुद्धि भोग बुद्धि होती है। हम सोचते कि भाई हम उसके संसार का सुख भोगे हैं, हम ये नहीं सोचते कि प्रभु ने भेजा है मुझे भजन में सहायता करने के लिए, उनकी सहायता से मुझे भवसागर से पार होना है। तो उसी प्रकार स्त्री को भी सोना चाहिए का पति के रूप में भेजा तो मेरे को उनके साथ भजन में लगना है और निकलना कि संसार के भोगों में फंसे रहना है। लेकिन ये बुद्धि भी साधु संग करने से कृपा से हरिनाम से ही आती है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, कोई इस चीज़ को ग्रहण करता नहीं है। लेकिन प्रभु का अभिप्राय यही था कि जाकर हरिनाम संकीर्तन करें, लोगों को भजन में लगाएं। प्रभु स्वयं तो संन्यास लेते हैं लेकिन नितिन जी को बोलते हैं तुम ग्रस्त बनो, लेकिन नितिन ना चाहते भी क्योंकि महाप्रभु की इच्छा ग्रस्त बनते हैं और भजन में अपने आप को लगा लेते हैं। Lord sends Nityanand Swarup in Bengal and stays himself in a Leelachal with a few devotees. भगवान जो हैं बंगाल में भेजते हैं दिन को और भक्तों से नीलाचल में रहते हैं। In the Antekhand, the Lord enjoys his pastime or dancing with the devotees before Lord Jagannacharya. अंत्यखंड के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा के समक्ष प्रभु भक्तों के साथ नृत्य करते हैं। In the Antekhand, Lord Gaurang goes to Rameshwar and later travels again to Mathura through the Jharkhand forest. अंत्यखंड के अंदर महाप्रभु पहले रामेश्वर जाते हैं और फिर बाद में मथुरा जाते हैं झारखंड के रास्ते होते हुए। यानी जब झारखंड के रास्ते होते हैं वहाँ के पशुओं का भी उद्धार करते हैं। यानी आप देखोगे हिरण और शेर एक ही जगह पे खड़े होकर प्रभु के कीर्तन को देख के आनंदित होते हैं और उनका वैर भाव खत्म हो जाता है। यानी हरिनाम में इतनी क्षमता है आंतरिक वैर को समाप्त करने की। सिर्फ हमको प्रेमी भक्त चाहिए और हमको भजन प्रेम में डूबना है। प्रेम में डूबे बगैर आपका आंतरिक वैर भाव नहीं खत्म होगा, थोड़े भजन से नहीं होने वाला। गूढ़ भजन करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत हरिनाम करना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी खूब लगातार, तब जाके हृदय में परिवर्तन है। थोड़े भजन से नहीं होगा कुछ परिवर्तन, क्योंकि लोग ज़्यादा भजन नहीं करते हैं, थोड़े में ही कराना चाहते हैं। इसलिए कई सालों के बाद भी देखोगे हृदय में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है।
In the Antya Khand, the Lord delivers Ramanand Rai and performs various pastimes in Mathura. Antya Khand ke andar Ramanand Rai ka udhar karte hain aur bahut se leela karte hain Mathura mein. In the Antya Leela, Lord Gaur Sundar reveals himself in to Dabir Khas. To अंत्य खंड के अंदर महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करते हैं दाबीर का. एक्चुअली ये रूप गोस्वामी हैं, इनका नाम कुछ और था, लेकिन जब ये मुसलमानों के यानी यवनों के पास नौकरी करने लगे, वहाँ के मंत्री बन के, तो इनका नाम रखा गया दाबीर खस. और बाद में जब महाप्रभु मिले तो उनको उनका नाम उन्होंने परिवर्तित करके रूप गोस्वामी रख दिया. द टू ब्रदर्स अचीव लिबरेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग द लॉर्ड एंड दे बिकेम नोन ए रूप एंड सनातन. दोनों भाई जो थे रूप और सनातन, ये प्रभु ने अपने आप को प्रकाशित किया, इनके समक्ष ये पहचान गए और इनका उद्धार हुआ और इनको रूप और सनातन के नाम दिए गए और ये इसी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं रूप गोस्वामी. और इन्हें बहुत से ग्रंथों का की रचना की. महाप्रभु ने अपनी कृपा शक्ति इनको प्रदान की जिसके कारण वे ग्रंथों की रचना कर सके. जब हम अपने गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ते हैं इसका मतलब कि महाप्रभु की वाणी को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु ने अपने भक्तों को यश देने के लिए भक्तों के माध्यम से ग्रंथों का विस्तार करवाया. और प्रभु क्या देना चाहते हैं, मैं ब्रज भाव देना चाहते हैं इन सब के माध्यम से. इन द अंत्य खंड लॉर्ड गोस टू वाराणसी वेयर ही द ब्लेस्ड फेमस सन्यासी कैन रिकॉग्नाइज हिम. तो कहते हैं कि जब वो पहुंचे कहाँ पे, काशी पहुंचते हैं, वहाँ पे जो मायावादी होते हैं वो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं महाप्रभु को, और वो उनकी निंदा करते हैं. हिंदी अंत्य खंड लॉर्ड अगेन रिटर्न्स टू नीलाचल एंड एंगेजेस डे एंड नाइट इन संकीर्तन. अंत्य खंड के अंदर प्रभु पुनः नीलाचल आते हैं और रात दिन संकीर्तन में लगे रहते हैं. हिंदी अंत्य खंड लॉर्ड नित्यानंद ट्रेवल्स थ्रूआउट इंडिया एज अ वॉन्डिंग मेंडिकेंट. अंत्य खंड के अंदर नित्यानंद जो है भ्रमण करते रहते हैं पूरे भारत में एक सन्यासी के रूप में. नो वन कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड नित्यानंद अनलिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक एज ही वंडर्स अबाउट मथुरा विद एंकल बैंड ऑन हिज फीट. नित्यानंद प्रभु को कोई समझ नहीं सकता उनके स्वरूप को और उनके व्यवहार को और वो मथुरा में कैसे चलते हैं, यानी जो क्या बोलते हैं नुपुर पहने हुए एंकल बेल्ट को नुपुर बोलते हैं, पायल पहने हुए, अपने पैरों में पायल पहने हुए वो घूमते हैं. क्योंकि ये बलराम है ना, तो जो उनके अंदर वो आ गए थे बलराम जी के भाव आ गए थे, ग्वाले के रूप में थे, उधर के ब्रज की भूमि में भ्रमण करते थे, तो उसी जब उधर पहुंचते तो वही भाव उनके अंदर आ जाते हैं, तो इसी प्रकार वैसे ही वहाँ पे भ्रमण करते हैं. इन द अंत्य खंड लॉर्ड नित्यानंद डिस्ट्रीब्यूट्स डिवोशनल सर्विस टू एवरीवन इन पानीहट्टी ऑन द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड चैतन्य. अंत्य खंड के अंदर नित्यानंद क्या करते हैं, भक्ति का विस्तार करते हैं, सबको बांटते हैं, कृपा बांटते हैं भक्ति की पानीहट्टी के अंदर. ये कलकत्ता के पास है पानीहट्टी, वहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी दही चूड़ा का उत्सव मनाया गया था, वहाँ पे उन पर कृपा हुई है महाप्रभु ने. अगर ग्रहण किया है रघुनाथ दास गोस्वामी को, उसके पीछे मूल में नित्यानंद प्रभु ही हैं, यानी जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होती, नित्यानंद प्रभु ही गुरु तत्व हैं, तब तक भगवान हमें ग्रहण नहीं करेंगे. गुरु की अपेक्षा करके आप सोचोगे कि मैं प्रभु को प्राप्त कर सकूं, असंभव असंभव. तो महाप्रभु के आदर्श से उन्हें सबको हमें भक्ति प्रदान की. इन द अंत्य खंड
the commander chief of the Kirtan party, Lord Nityanand, delivers the merchant community, यानी अंत्य खंड के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ कीर्तन कामी नित्यानंद प्रभु जो वहाँ के इंचार्ज है कमांडर हैं वो क्या करते हैं जो व्यापारी जो स्वर्ण का व्यापार करते हैं या दूसरे व्यापारी जितने भी होते हैं जो बनी वगैरह होते हैं या व्यापारी होते हैं जो सोने का भी करते हैं जो वैश्य का है उन सबको हरिनाम दे के सबका उद्धार किया। मतलब कि महाप्रिय नित्यानंद ये बताना चाहते हैं प्रभु के भक्ति का अधिकार सबको है, कोई खास वर्ण के लोगों के लिए नहीं है। हर मनुष्य भक्ति करके प्रभु को प्राप्त कर सकता है। शबरी नीच जाति की थी, उसने राम राम करके प्रभु को प्राप्त किया। आप देखोगे निषाद राज था, केवट था, इन सब का उद्धार प्रभु ने किया। वहाँ पे कोई जाति और वर्ण का तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। राक्षसों का उद्धार किया विभीषण, राक्षस जाति के तो उनका उद्धार किया। गिद्ध जाति के जटायु थे उनका उद्धार किया। वानर जाति हनुमान जी थे और जामन अन्य थे जो रीछ थे, अन्य जितने वानर थे प्रभु ने सबका उद्धार किया। क्षत्रिय के घर में आए, क्षत्रिय कौन है दशरथ जी, और उनका भी उद्धार किया। और ब्राह्मणों का तो उद्धार किया ही किया उन्होंने। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका प्रभु ने उद्धार ना किया हो, क्योंकि प्रभु बहुत स्पष्ट कहते हैं मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ, भक्ति के अलावा मुझे कोई चीज़ प्रिय नहीं है। इसलिए प्रभु को आकर्षित करना है तो हमें भक्ति का आश्रय पड़ेगा, प्रभु के नाम का जप करना ही भक्ति है। आप प्रभु केवल भक्ति से ही आकर्षित होते हैं और भक्ति नाम से प्राप्त होती है। जिन्होंने किष्किंधा सुंदरकांड सुना उन्हें पता चलेगा हनुमान जी की जो यात्रा है वो यात्रा कैसी है। नाम के बल से वो सीता जी तक पहुँचते हैं, नाम भक्ति की ओर ले जाता है और भक्ति की जब कृपा मिलती है तब प्रभु हमारे अधीन हो जाते हैं। इसलिए जीव को निरंतर नाम का आश्रय लेना चाहिए, खूब हरिनाम करना चाहिए। जितनी ज़्यादा हरिनाम करोगे उतनी बल आपको आंतरिक बल मिलेगा, उतनी मात्रा में आप बुराइयों का त्याग कर पाओगे, उतनी मात्रा में आपके बुरे विचार दुर्गुण और दुर्विचारों का नाश होगा। जितनी मात्रा में जीव हरिनाम अधिक से अधिक करेगा, थोड़े भजन से नहीं होता है क्योंकि हमारे पाप बहुत प्रबल हैं, कई जन्मों के अनंत जन्मों से हम पापी तो करते आए हैं, भजन किया नहीं तभी तो संसार में बैठे, किया होता तो भगवत धाम में ही होते थे। तो अब तो कम से कम भजन को बढ़ा लो अपने उद्धार के लिए, नहीं तो अंत में पछताओगे। जो भी कमाई की, जितनी भी कमाई की, कुछ काम ना आई, केवल राम नाम काम आता है। इसलिए नाम की कमाई कर लो, क्योंकि मरने के बाद वही जाएगा, बाकी सारी कमाइयाँ रह जानी। इन द अंत्य खंड सुप्रीम लॉर्ड श्री गौरचंद्र रिजाइड इन नीलाचल फॉर 18 ईयर्स। अंत्य खंड के अंदर महाप्रभु जो है नीलाचल में रहे 18 साल। द अनलिमिटेड पास्टम और श्री चैतन्य इन द अंत्य खंड विल बी डिस्क्राइब बाय व्यासदेव इन द फ्यूचर। तो कहते प्रभु के अंत लीलाएं अंत्य खंड के अंदर भविष्य में क्या होगा वेदो व्यास जी इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। इफ वन समहो और अदर ग्लोरीफाई लॉर्ड चैतन्य देन लॉर्ड नित्यानंद बिकम्स अनलिमिटेड प्लीज विद हिम। कोई भी महाप्रभु के लीला का गुणगान करता है तो नित्यानंद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्त के आगे प्रभु का गुणगान करो और भगवान के आगे भक्तों का गुणगान करो, ऐसा होना चाहिए। ओ लॉर्ड गौरचंद्र प्लीज अलाउ मी टू सर्व द फीट ऑफ नित्यानंद प्रभु। तो गौरचंद्र आप मेरे पे कृपा करिए कि मैं नित्यानंद प्रभु की सेवा करो। हु एज अनंत शेष होल ऑल द यूनिवर्स ऑन है, जो शेष अवतार है और सारे ब्रह्मांडों को उन्होंने सिर पे धारण किया।
क्यों बिनु हरि कृपा मिले से प्रभु कृपा के संत मिले और संत मिलेंगे तो कथा मिलेगी, कथा मिलेगी तो हृदय परिवर्तन होएगा, प्रेम उत्पन्न होएगा और तभी तो हमको फिर प्रभु की प्राप्ति होगी। प्रभु की कृपा से संत मिलते हैं, प्रभु आपके हृदय की सिंसियरिटी को देखते हैं, निष्ठा को देखते हैं, कितनी इसके अंदर लालसा है मुझे प्राप्त करने की। फिर वो कृपा करके किसी संत से मिलाते हैं और संत हमें कथा सुना के हृदय परिवर्तित करते, नाम जप करते हैं, उस नाम जप से भक्ति मिलती है और भक्ति कृपा से हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। तो ये सारा खेल जो है कि संत का आश्रय लोगे तो कथा मिलेगी, कथा से नाम जप की प्रेरणा मिलेगी और नाम ही हमें प्रभुता पहुंचाएगा। सत्संग में आना, कथा सुनना, तीर्थों में जाना, सब बहुत कुछ है, इसका एक ही फल है कि नाम में रुचि होना। सबका एक ही फल है। देखो रूप सबके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि आप देखोगे शत्रुपा मनु ने कितनी तपस्या की तब रूप के दर्शन है, कितने हजारों साल तपस्या की तो रूप के दर्शन हो। लीला तो बाद में जब प्रभु ने अवतार के पुत्र तब लीला, तो लीला तो और भी दुर्लभ है, फिर बाद में धाम बनता है वो स्थान। लेकिन नाम प्रभु से भिन्न होने के नाते जब हम जीवा पे नाम करते हैं, प्रभु का स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु हमारे जीवा पे नित्य कर रहे हैं, कितना सुलभ है कि नाम के माध्यम से प्रभु हमें बहुत आसानी से सुलभ हो जाते हैं। रूप और लीला सुलभ नहीं है लेकिन नाम सुलभ है। जीवा पे जब हम नाम जप करते हो तो प्रभु का हमारे, क्योंकि नामी अभिनय तो हमारे प्रभु के साथ कांटेक्ट हो जाता है, स्पर्श हो जाता है प्रभु के साथ। भले आप अनुभूति अभी नहीं कर रहे हो कि अनर्थ है इसलिए, लेकिन कुछ समय के जब अनर्थ कम होंगे आप लोगे कि मैं प्रभु का चुंबन कर रहा हूँ, प्रभु का स्पर्श कर रहा हूँ, मेरी जीवा पे प्रभु के साथ संपर्क हो रहा, आपको महसूस होएगा। तो नाम बहुत सुलभ है कि नाम के रूप में प्रभु हमारे जीवा पे आके वास करते हैं। इसलिए जीव को निरंतर नाम का आश्रय लेना चाहिए। नाम अपने आप हमें पहुंचा देगा जिधर उसको पहुंचाना है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको पता है आपका स्वरूप क्या, आपकी सेवा क्या, सब नाम से प्रकाशित होगा और आपके निर्धारित स्थान पे जो जैसे आपके भाव होंगे या आपका जो स्वरूप रहेगा आप उधर अपने आप पहुँचोगे। सब नाम का सेवन रात दिन करते रहिए। तो क्या कहते हैं कि आप कृपा करिए कि मुझे नित्यानंद प्रभु मिले, मन की सेवा कर सको, क्योंकि जब संत की सेवा करते हो तभी तो प्रभु की कृपा मिलेगी, क्योंकि संत नहीं होगा तो कथा कौन सुनाएगा, नाम जप करने की प्रेरणा कौन देगा, संत ही देते हैं ना। इसलिए हमको ईश्वर मिले या ना मिले कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्रभु के प्रेमी भक्त मिलने चाहिए जो हमें निरंतर कथा सुना के हमारे अंदर प्रेम का संचार करते रहे और नाम हमारे चलता रहे, अपने आप पहुंच जाते वहां पर। वो उनकी इच्छा दे, दर्शन ना दे, संत मिल जाए ना तो कथा मिले, कथा मिले तो हृदय परिवर्तन हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि प्रभु जो है उनका काम ये हृदय परिवर्तन करना, ये उनकी कथा का काम है और कथा संत से जब सुनते हो तब हृदय परिवर्तित होता है। अपने आप पढ़ने से नहीं होएगा, संत के माध्यम से ही हृदय में परिवर्तन होएगा ही होएगा। इससे साफ देखोगे शंकर जी उत्तरकांड में क्या स्तुति करते हैं कि राम जी मुझे आपके भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। तो सभी भक्त सत्संग ही तो मांगते हैं, कथा ही तो मांग रहे, क्या मांग रहे? उन्हें नहीं कहा मुझे आपकी सेवा दो, ने कहा भक्तों का संग दो ताकि भक्तों के भी कथा सुनने का सौभाग्य मिलते, आप प्रभु का भजन होता रहे, प्रेम उत्पन्न होगा। ये तो दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया, कंस ने भी किया, रावण ने क्या लाभ लिया, लेकिन जिसने संत साधु संग किया है, कथा सुनी, वो प्रभु के दर्शन का लाभ ले सका है, वो प्रेम भक्त बना है। नहीं तो बिगैर कथा के दर्शन भी होने तो कोई फायदा होने वाला नहीं आपको। इन दिस सूत्र आई हैव ब्रीफली डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द बुक। मैंने सूत्र के माध्यम से ग्रंथ में बताया कि क्या क्या चीजें ग्रंथ के अंदर है।
Now I will begin to narrate these three division of pastime. अब आप मैं आदि खंड मध्य खंड अंत्य खंड ये जो तीन जो विभाजन है अब मैं उन लीला का वर्णन करूँगा विस्तार से. माई डियर ब्रदर्स प्लीज नाउ हेयर अटेंटिव द टॉपिक्स ऑफ आदि खंड. अब आप ध्यान से सुने आदि खंड के विषय को रिगार्डिंग द अपील्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य जैसे महाप्रभु प्रकट हुए आदि खंड में. बहुत सुनिए. एक्सेप्टिंग श्री चैतन्य अनितन प्रभु एज माई लाइफ एंड सोल आई वृंदावन दास सिंह द ग्लोज ऑफ द लोटस फीट. कहते हैं महाप्रभु नित्यानंद जी को अपने प्राण और आत्मा मानते हुए मैं वृंदावन दास ठाकुर जो है वो कहते हैं मैं भगवान की लीला का गुणगान करूँगा. अब हम पढ़ते हैं प्रभु का आविर्भाव. ऑल ग्लोरीज टू महाप्रभु श्री गौरचंद्र. महाप्रभु की जय जयकार हो. ऑल ग्लोरीज टू द सन और जगन्नाथ मिश्र द लॉर्ड ऑफ ऑल. जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की जय जयकार हो जो ईश्वर के भी ईश्वर है. ऑल ग्लोरीज टू द लाइफ एंड सोल ऑफ नित्यानंद एंड गदाधर. यानी गदाधर और नित्यानंद प्रभु की जय जयकार हो. All glories to the shelter of the devotees headed by Advaita Prabhu. जो भक्तों के आश्रय अद्वैत प्रभु उनकी जय जयकार हो. क्योंकि अद्वैत आचार्य प्रभु के पास निरंतर भक्त आते रहते हैं. वहाँ पे के कथाओं का निरंतर गान होता रहता है, नाम कीर्तन भी होता रहता है. तो प्रभु हो या ना हो भक्त होंगे तो भक्त होने से कथाएं होती रहेंगी, नाम कीर्तन होता रहेगा. तो और जैसे जैसे प्रेम उत्पन्न होगा ईश्वर आपको निरंतर दर्शन होते रहेंगे. ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वो प्रेम से प्रकट होते हैं. ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे ईश्वर का वास ना हो, जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमें किधर जाना है. प्रेम है तो इधर भी उपलब्ध होंगे, प्रेम नहीं तो किधर भी चले जाओ कोई भी तीर्थ में प्रभु के आपको दर्शन होगा नहीं, कोई कृपा की अनुभूति नहीं होगी. इसलिए जितना जीव अधिक नाम आश्रय करता है, नाम का जप करता है, जितना उसके अंदर प्रेम का संचार होता है उतनी मात्रा में उसको कृपा की अनुभूति होती है. और वह प्रेम में डूबा रहेगा तो निरंतर उसको हमेशा प्रभु के दर्शन होते ही रहेंगे. ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड गौरांग अलोंग विद द एसोसिएट. महाप्रभु की जय जयकार हो जो अब उनके भक्तों के सहित मैं जय जयकार करता हूँ. By hearing the topics of Sri Chaitanya, one attend devotional service to the Lord. महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करने से हमें क्या मिलता है, प्रभु के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है. यानी प्रभु की कथा भक्ति जागृत करने में बहुत बड़ी सहायता. भक्ति के नौ अंग है ना, तो सबसे पहले श्रवण आता सुनो, फिर कीर्तन, जो सुना उसको रिपीट करना ही कीर्तन कहा गया. और स्मरण, स्मरण यानी कीर्तन में स्मरण आ ही जाएगा. क्योंकि आप ए के बारे में चिंता है तो बी के बारे में नहीं बोल, दूसरे के बारे में नहीं बोलोगे. तो जिसके बारे में बोलना उसका स्मरण तो करना ही पड़ेगा. तो स्मरण कीर्तन के अंतर्गत अपने आप आ जाता है. इसलिए तो श्रवण बहुत ज़रूरी है कि जब ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी बात. और शब्द का असर हृदय पर होता है. क्योंकि जिस स्तर का कोई भक्त होता है ना, जितनी तपस्या होती है उसकी वाणी आपके हृदय को उतनी मात्रा में स्पर्श करेगी. भक्त के स्तर पर डिपेंड करता है उसका लेवल क्या है, उसका भजन का स्तर क्या है, तब उसकी वाणी किसी के हृदय को स्पर्श करती है. शब्द वही हो सकते हैं. अगर भजन का बल नहीं है तो होते ना कि जैसे जैसे नकली बंदूक होती है, थर थर आवाज़ तो करती है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता, उसे काम कुछ करेगी नहीं. लेकिन अगर पीछे भजन का बल होएगा तो वो आपको असर भी करेगी. तो इसलिए कथा भक्तों के मुख से सुनो, क्योंकि इसके पीछे तो उनके तपस्या का बल होता है. आई अगेन ऑफर माई ऑब्सेंसेस एट द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य एंड ए डिवोटी.
मैं पुनः प्रणाम करता हूँ महाप्रभु को और उनके भक्तों के। लेट द टॉपिक्स ऑफ गॉड चंद्र बिकम मैनिफेस्ट ऑन माय टंग। महाप्रभु के जो लीला है मेरे जीवा पे प्रकट हो, क्योंकि प्रभु जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगा। लीला जब प्रभु मेरे जीवा पे बिठाएंगे तभी तो बोलूँगा। इसलिए रामायण के अंदर लाइन आती है ना, मानस के अंदर बालका में, सरस्वती कठपुतली है, सुतदा श्री रामचंद्र जी हैं जिसके ऊपर कृपा करते हैं, उसके हृदय के आंगन में उसको नचाते हैं। तो प्रभु की कृपा से सरस्वती जीव बैठ के प्रभु का गुणगान करती है। तो भक्त के मुख पे प्रभु अपने भक्त के माध्यम से, सरस्वती के माध्यम से गुणगान कराते हैं। इसे कहते हैं मेरी जीवा पे वास करिए ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूं। जीव अपने आप में नहीं कर सकता गुणगान जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। प्रभु की कृपा से जीव प्रभु का गुणगान कर सकते हैं। ऑल ग्लोरीज टू श्री गौर सुंदर द ओशन ऑफ मर्सी, यानी गौचंद्र की जय जयकार हो जो कृपा के समुद्र हैं। ऑल ग्लोरीज टू नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु की जय जयकार हो। द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोशन सभी जो भक्ति के स्वरूप है, मैं नित्यानंद प्राप्त की भी भक्ति मिलनी ही मिलनी है, भक्ति मिलनी नित्यानंद प्रभु और गुरु मिलना भी सबको भक्ति मिलनी मिलनी है। गुरु की सिर्फ आज्ञा फॉलो करो, उनकी आज्ञा क्या होती है, श्रवणम कीर्तन नाम कीर्तन ना, और बाकी कथा सुनो या कथा उच्चारण करो और नाम निरंतर जाप करो, ये मूल उद्देश्य होता है उनका। क्योंकि बगैर साधना के बगैर भजन करे जीव कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकेगा। साधना तो करनी ही पड़ेगी भैया, तभी तो गुरु माला देते हैं, नहीं तो माला देने की जरूरत क्या आती है अगर भजन नहीं करना। बगैर भजन करे किसी ने कुछ नहीं प्राप्त किया है, क्योंकि जब देखते हैं जो सिंसियरली भजन करा है तो प्रभु अपनी कृपा का संचार भी करते उसके अंदर। अगर भजन नहीं करोगे तो कृपा नहीं गई। लोगों को क्या आदत है बोलने की, वो कृपा होगी तो हो जाएगा। तो प्रयास तो करो, कृपा तो होगी होगी लेकिन कुछ तो प्रयास करो जी, प्रयास करना, जब कृपा होगी तब करो, नहीं तो मैंने नहीं करना। लोग ऐसे कितने लोग बोलते हैं बात को, बल्कि कि तुम क्या चाहते हो, बल्कि तुमको करना नहीं है, तुम्हारे अंदर केवल कपट भरा हुआ है, तुम सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हो और कुछ नहीं है। जब कृपा होगी कब, अच्छा प्रभु डायरेक्ट तो नहीं कहें, किसी संत के माध्यम से कहते तो कथा सुन, संत के माध्यम से कहते जाप कर, तो तुम्हें नहीं दिखाते कि कृपा हो रही है, मुझे कह रहे हैं। अब तुम नहीं सुनना चाहते, तुम बहरे अंधे बनना चाहते तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों को करना नहीं है, किसी को केवल बहाने ढूंढने हैं। इनफैक्ट जीव अपना खुद का दुश्मन बना हुआ है, उसका दुश्मन बाहर नहीं है, दूर कोई नहीं है, वो अपना ही शत्रु है। क्योंकि वो अपना भजन ना करके अपना पतन का कारण वो खुद है। दूसरे कमर बोलो से मेरा पतन किया है, तुम्हारी इच्छा थी तो भी तुमने गलत काम किया। साधु संग करते जाप करते तुम्हारा कभी पतन नहीं होता, तुम क्यों गए गलत काम करने के लिए, उसको बोल मत बोलो। इंसान अपने पतन का कारण स्वयं होता है और अपने उद्धार का कारण भी वह स्वयं है। साधु संग करे, नाम जप करे, अपने उद्धार का कारण बन जाता है। ऑल द ट्रूथ्स ऑफ द टू ब्रदर एंड द डिवोटीज आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल, दे कैन बी रियलाइज बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्डशिप। कहते हैं इन दोनों को सत्य को जानने के लिए और उनके भक्तों को जानना बुद्धि से असंभव है, लेकिन ये जब कृपा करेंगे आप प्रभु को और उनके भक्तों को दोनों को जान सकते हो। समझे ना, प्रभु की कृपा से जीव प्रभु को जान सकता है और वो होता है शरणागति पर निर्भर। सरेंडर करो, जैसा बोला उसको मानो, अपनी बुद्धि मत चलाओ। कई लोगों को आदत अपनी बुद्धि चलाने की, शरणागत तो होते नहीं है, क्योंकि शरणागत नहीं होते ना तो उनको कृपा नहीं मिलती है। द नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटी लाइक लॉर्ड ब्रह्मा इज एनहेंस्ड बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी की जो विशेषता है, जो इतने हम कहते हैं महान है, उनको इतना ज्ञान है, वो कृष्ण की कृपा के कारण ही है। जब उनकी उत्पत्ति विष्णु के नाभि से, तो उन्हें तो अपनी उत्पत्ति का स्थान नहीं पता मैं कहाँ से उत्पन्न हूँ।
सौ साल तक ढूंढते रहे देवताओं के, सौ साल तक, लेकिन उनको विष्णु के दर्शन हुए। फिर आवाज़ आई, तप करो तप करो तप करो, तीन बार आई, तब तप तप आवाज़ आई, तब तपस्या की सौ साल देवताओं के, नाम जब किया तब उनको प्रतिष्ठान सामने दिखाई दिया। अरे ये तो सामने है जिनकी नाभि समर्पण हुआ। फिर सृष्टि की रचना कैसे करनी, कोई ज्ञान नहीं। फिर तप किया, फिर जब तपस्या के प्रभु ने बुद्धि प्रदान की तब सृष्टि रचना कर सके। मतलब क्या है, भजन से ही सद्बुद्धि मिलती है, भजन से ही ज्ञान मिलता है। इसे कहते हैं विद्या वधु जीवनम, चेतो दर्पण विद्या वधु, यानी भजन करने से विद्या अपने आप आ जाती है। वधु कहते हैं पत्नी को, वो प्रभु की पत्नी है विद्या, और जो प्रभु का भजन करेगा नाम का आशय, तो विद्या अपने आप आएगी, तो आपको सद्बुद्धि मिलेगी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर चीज का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। बड़ा अनपढ़ अंगूठा छापो, चारों वेदों के ज्ञाता आप हो सकते हो केवल नाम जप के बल से। बड़े बड़े आप कमेंट्री दे सकते हो, व्याख्या कर सकते हो, टिप्पणियां कर सकते हो भागवत के श्लोकों पे, केवल नाम जप की कृपा से, नाम की कृपा से। क्योंकि आप देखोगे भगवान के तत्व को, उनकी लीला को समझना आसान नहीं है, समझाते भी लोग नहीं समझ पाते उनकी लीला को। समझाते तो कहाँ ही समझ में आती ज़्यादा, और याद कहाँ रहती है, लेकिन नाम जप करने से सब चीज़ अपने आप प्रकाशित हो जाती है। This is confirmed in all the scriptures, सारे शास्त्रों में क्या है, सच आदि वेद एंड द श्रीमद् भागवत, और ये भागवत और वेदों में ये बात कही गई है कि ब्रह्मा जी के अंदर जो ज्ञान प्राप्त जो महानता आई है वो केवल कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त है, कुछ नहीं है। मे द लॉर्ड हु इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन एम्पलीफाइड द पोटेंट नॉलेज ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम विद इन हिज हार्ट, यानी सृष्टि के आरम्भ में उस ज्ञान को ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने प्रकाशित किया, एंड इंस्पायर्ड हिम विद फुल नॉलेज ऑफ क्रिएशन, और सृष्टि की रचना कैसे की थी ये भगवान ने ही उसको सद्बुद्धि प्रदान की, एंड ऑफ हिज और अपने विषय का भी ज्ञान प्रभु ने उनको किया। लेकिन आप फिर भी देखो प्रभु जितना जानते होते हैं ये जानता है, ये ब्रह्मा भी नहीं कह सकते पूरी तरह जानता, नहीं तो ब्रह्म विभव लीला कैसे हो सकती थी, कैसे मोहित में पड़ गए। भागवत के अंदर आती ना ब्रह्म हेमन लीला, गाय बच्चों को छुपा लेते हैं, ये वो सब करते, तो कैसे होती। यानी जब तक प्रभु की कृपा नहीं थी जीव प्रभु को नहीं जान सकता। एंड हू अपीयर टू बी जनरेटेड फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा, ही प्लीज्ड विद मी। तो कहते हैं वही ज्ञान जो है ब्रह्मा जी के मुख से निकला और संसार को प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा थी। यानी प्रभु का स्वभाव है अपने भक्तों को मान सम्मान देना, भक्तों को श्रेय देना। ब्रह्मा जी को भी अगर समय तो वेद मिले तो ब्रह्म कृष्ण से तो मिले हैं, भले आगे उन्होंने कहा, वो ये तो नहीं कहते कि वेद मेरे हैं तो मैंने दिया है, वो उनकी कृपा से तो उनको मिले हैं। इसलिए करते सब प्रभु हैं, लेकिन प्रभु को बड़ा आनंद आता है अपने भक्तों को श्रेय देने में, मान सम्मान देने में उन्हें बड़ा। लेकिन भक्त जो सच्चे भक्त होते हैं वो श्रेय ना लेके सब प्रभु को अर्पण करते, जो है तेरी कृपा है, जो बुद्धि है, जो काम मेरे हाथ से बड़ा बड़ा हुआ है, जो मेरी प्रशंसा हो रही, वो सब तेरी ही कृपा है, तेरी कृपा बगैर जीव कुछ नहीं कर सकता। वो कभी अपने ऊपर श्रेय लेता इसलिए उसके अंदर अभिमान नहीं आ सकता। जो श्रेय लेगा उसके अंदर अभिमान जरूर आएगा कि मैं कितना महान हूँ, देख मेरे को कितनी बुद्धि है, और वहाँ पे कृपा हट जाती है और उसका पतन भी हो जाता है। In the beginning of creation, Lord Brahma was born from the lotus sprouted from the navel of Lord Vishnu. जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी प्रभु के नाभि से, जो कमल उत्पन्न हुआ था वहाँ से। ये नो पावर टू से, उनके पास कुछ
क्षमताएं देखने की, उनको तो अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया, उनको पता नहीं चला उत्पत्ति का स्थान क्या, मैं कहाँ से आया हूँ, ये कहाँ हूँ मैं, किधर बैठा, कुछ पता नहीं चला उन्हें। उनको तो अंधकार के अलावा कुछ और दिखाई दिया, अंधकार में बंदा क्या देख सकता है, कुछ नहीं देख सकता। स्टिल हियर नो पावर टू, इसमें कोई क्षमता नहीं तो देखने की। व्हेन ब्रह्मा टू फुल शेल्टर ऑफ द लॉर्ड देन आउट ऑफ कंपेल लॉर्ड बिफोर अपीयर्ड बिफोर हिम, जब उसने भगवान का आश्रय लिया भजन के द्वारा, तब प्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए। देन बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा ब्रह्मा रिसीव्ड ट्रांसडेंटल नॉलेज, कृष्ण की कृपा से ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड द वेरियस इनकार्नेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ताकि भगवान के विभिन्न लीला को समझ सके। समय बात, हाँ, तो जो कुछ आज हमें जितनी मात्रा में आप भगवान की शरण लोगे, जितना भजन करोगे, उतनी सद्बुद्धि भी प्राप्त होगी और उतना ज्ञान भी रहेगा और आपका बल भी रहेगा और आपकी रक्षा भी होगी और आपका सब सही चलता रहेगा। और जितना आप प्रभु से विमुख हो गए या अहंकार लाओगे कि मैं कितना महान हूँ, उतनी बातें कृपा हट जाएगी और आपका पतन होते समय नहीं लगेगा। लॉर्ड कृष्णाज इनकार्नेशन आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, भगवान के अवतारों को समझना बहुत कठिन है। Who has the power to understand them without a mercy? किस पे शब्द और लीला को समझने के उनके कृपा बगैर। कहते ना कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ के भी कई लोग गलत अर्थ में ले लेते हैं। फिर संत का आशय, क्योंकि संत भजनानंदी होते हैं, उनको प्रभु ने बुद्धि प्रदान की होती, फिर जब संत समझाते हैं तो उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। अच्छा, ये अर्थ है, मैं तो ये समझ रहा था, इसका ये अर्थ है, मैं तो अभी तक ये सब मैं तो गलत समझ रहा था। यानी पढ़ के भी जीव नहीं समझ सकता, इसलिए कोई ये अभिमान न करे मैं गण पढ़ लूँगा समझ आएगी। पढ़िए, लेकिन संत से सुनने के बाद पढ़िए, या पढ़ के साथ साथ संतों से सुनते जाइए, ताकि सुनने से आपको सही अर्थ में समझ में आए क्या ग्रंथ का अभिप्राय का तात्पर्य क्या है। कई श्लोक ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते समझने, कोई कई शब्दों का क्यों प्रयोग किया गया, क्यों नहीं किया, ये संत ही बुद्धि प्रदान करते और समझा पाते हैं। नहीं तो अपने आप पढ़ोगे तो गलत अर्थ में लोगे। और जो लोग अक्सर कमेंट्री देते हैं, जो संसार में जो भक्त नहीं है, वो गलत ही बोलते हैं और उन्हीं कारण से कुप्रचार करते हैं शास्त्र के विरुद्ध, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि शरणागति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शरणागत कोई होना नहीं चाहता ना, सोचता मैं अपनी इंटेलिजेंस, मैंने PhD कर ली, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, डॉक्टरेट कर ली, MSc होगी, PhD होगी, तो मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया। नहीं, इसको समझने के लिए प्रभु कृपा चाहिए। भौतिक चीज़ आप भले समझ सकोगे अपनी बुद्धि से, संसारिक बुद्धि से, लेकिन जो प्रभु जो प्रकृति से परे अप्राकृतिक को प्राकृतिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। प्रभु को समझने के लिए केवल और केवल प्रभु की कृपा चाहिए है, और वो कृपा संत के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए संत के प्रति शरणागत होना ही पड़ेगा। लोग ले तो जाते ग्रंथ, मैंने पढ़ लिया, क्या समझ में आई, कुछ नहीं। फिर भक्त अगर समय आते भक्त बन गए होते, फिर तो खूब राम नाम करते, लेकिन रामायण लेके जाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन समझ कुछ आती नहीं, क्योंकि पढ़ना है, कष्ट का निवारण होता है, या जो भी होता है मनोकामना वो पूरी हो जाती है, क्योंकि परिश्रम का फल तो मिल ही जाता है, लेकिन भक्ति तो नहीं आती, कुछ समस्त प्रेम तो नहीं उत्पन्न होता। जब संत के माध्यम सुनते हो तब वास्तव में प्रेम उत्पन्न होता है, तब भक्ति उजागृत होती है। हिंदी श्रीमद् भागवतम लॉर्ड ब्रह्मा कंक्लूड दैट द पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा इनकार्नेशन आर इनकंसेबल एंड इनअसेसेबल। भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की जो लीला है, उनके जो अवतार है, बुद्धि से परे है और उनको समझना असंभव है। वो सुप्रीम ग्रेट वन, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कहते ओ श्रेष्ठ ईश्वर, ओ सुपर सोल यानी परमात्मा, मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर, सारी सिद्धियों के स्वामी, योर पास्टम्स आर टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअली इन दिस थ्री वर्ल्ड, आपकी लीला निरंतर चल रही है त्रिलोकी के अंदर, बट हु कैन एस्टिमेट वेयर हाउ एंड वेयर यूर इंजॉइंग योर स्पिरिचुअल एनर्जी। अब किसी को ये नहीं पता आप कहाँ हो,
किधर हो और कब आप अपनी हलादनी शक्ति के संग आप लीला करो, ये किसी को नहीं पता। किधर हो, कहाँ हो और कब करो, ये किसी को नहीं पता। लीला निरंतर चल रही है। एंड परफॉर्म दीज इनम्बर पास्टाइम, और अपनी अंत लीला करो। नो वन कैन अंडरस्टैंड मिस्टी हाउ योर स्पिरिचुअल एनर्जी है, आपकी जो अंतरंग शक्ति है वो किस प्रकार कार्य करती है इसे कोई नहीं समझ सकता। हू हैज दी एबिलिटी टू नो वाई कृष्ण चंद्र इनकार्नेट, किसके पास क्षमता समझने के कृष्ण चंद्र क्यों अवतरित होया। बट आई एम गिविंग वट एवर रीजन आर डिस्कस इन श्रीमद् भागवतम एंड भगवदगीता, मैं वही दे रहा हूँ जो भगवदगीता और भागवत में वर्णन किया गया। हम इसको कल पढ़ते हैं, इस कथा को, लीला को आगे, अभी हमें पढ़ना याम कीर्तन वगैरह। वांछा कल्पत्रु भेश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावने भयो वैष्ण भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।